गेहूं की खरीद का भुगतान सीधे किसान भाई के बैंक खाते में किया जाएगा। क्रय केंद्र 2 अप्रैल से 15 जून तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे और किसी भी समस्या की शिकायत किसान भाई टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर कर सकेंगे। हकीकत की जमीन पर कई कदम आगे, उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और पाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। केंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। IMA से प्रमाणित केंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। प्रियंका भारती। हाँ। ए शारदा विमल हरिया सब इधर आओ। ये प्रियंका बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मरद से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मरद ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें, जहां सोच वहां शौचालय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और पाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। केंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। IMA से प्रमाणित केंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। दादाजी मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, MD है। यही तो है MD है, चला मसाले का कमाल। उनके बच्चे फिर पेंसिल तोड़ी तो टांग तोड़ दूंगा। हाँ, और ये तुम्हारे दोस्तों के लिए टॉफी जो में है कॉफी और क्रीम की दोस्ती। राहुल ने पेंसिल ली। प्रिया गोल्ड टॉफी टो। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और पाल रहे हैं लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल। नमस्कार, मैं हूं अंजलि भंडारी और हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने कुल 16 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इन यात्राओं में मोदी की हाल ही की चीन, मंगोलिया और कोरिया की यात्रा भी शामिल है। यहां तक कि मोदी संसद के सत्र के दौरान भी विदेशी दौरे पर थे, जिसके बाद उन्हें विपक्ष की कड़ी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महज एक साल में 16 विदेशी दौरे कर चुके प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस नेता रंजीता रंजन जी भी जुड़ेंगी और दिनेश सिंह जी जो कि बीजेपी के नेता हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं वंदे मातरम की। तो अपनी 3 देशों की यात्रा के दौरान मोदी ने भारत चीन के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और मंगोलिया के साथ 14 समझौतों पर हस्ताक्षर और $1 अरब की मदद की घोषणा की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 16 देशों से के साथ अब तक 95 द्विपक्षीय और दूसरे समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले मोदी की विदेश नीति पर क्या अब वाकई में अर्थनीति भारी है? जारी है मोदी की विदेश यात्रा, एक के बाद एक लगातार कर रहे हैं यात्रा, सत्र के दौरान भी कर रहे थे यात्रा। विपक्ष ने उठाया संसद में मुद्दा, एक साल में 16 देशों की कर चुके हैं यात्रा।
यात्रा से देश में क्या होगा फायदा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी बीते एक साल में 16 देशों की यात्रा कर चुके हैं। लगातार विदेश के दौरों के साथ ही मोदी वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को और मजबूत करने में जुटे हैं। तो दूसरी ओर अपने लगातार विदेश दौरे को लेकर मोदी विपक्ष के निशाने भी झेल रहे हैं। गौरतलब है कि सत्र के दौरान भी मोदी अपनी विदेश यात्रा पर थे और विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार हंगामे के साथ संसद में उठाया था। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर मोदी की ये विदेश नीति भारत के लिए कितनी फायदेमंद है। तीन देशों की यात्रा पर निकले मोदी सबसे पहले चीन गए, जहां उन्होंने चीन के साथ 24 करारों पर हस्ताक्षर किए। भारत चीन के बीच 22 अरब डॉलर के निवेश पर बात बनी, जिनमें से 4 शहरों को लेकर समझौते हुए हैं। इन शहरों में चीन के चेंगडू, क्युंगडाहू, दनहंग और सिचुआन शामिल है, जिसकी तर्ज पर चेन्नई, हैदराबाद, कर्नाटक और औरंगाबाद के विकास को लेकर करार हुआ है। रेलवे से लेकर भूकंप विज्ञान पर समझौते हुए हैं। पर इतने समझौते के बावजूद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और पीओके जैसा मुद्दा जस का तस रहा। अपने दूसरे पड़ाव पर मंगोलिया और उसके बाद कोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने मंगोलिया के विकास में सहयोग के लिए 1 अरब डॉलर की ऋण सुविधा की घोषणा की और साथ ही संबंधों को सामरिक गठजोड़ के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। पिछले एक साल में कई देशों की यात्रा कर चुके मोदी एक साल में 57 से ज्यादा द्विपक्षीय और दूसरे समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। कई देशों से अहम समझौते कर चुके प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि अगर भारत को विकास करना है तो पड़ोसी देश और बाकी देशों के सहयोग और उसकी साझेदारी जरूरी है। मोदी उन सभी देशों के साथ विवादित मुद्दों को उठाते जरूर हैं, लेकिन उसे बातचीत में हावी नहीं होने देते। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो बिल्कुल आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन विदेशी दौरों के बाद भारत की छवि बदली है, भारत का इससे कितना विकास हुआ है और क्या विदेश नीति पर इससे फर्क पड़ेगा। चर्चा की शुरुआत रंजीता रंजन जी, मैं आपसे करना चाहूंगी, आपके प्रतिक्रिया इसमें लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर है, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे देश की छवि बदलेगी? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से आपसे ही सवाल करती हूँ कि अभी तक 19 यात्राएं हो चुकी हैं, 16 में अभी ये 2 मिला लें जी, 95 दिन वो विदेशों में ही रहे हैं और 4 सेशन बीत गया और सेशन के वक्त हम लोगों ने एक या इक्का या दुक्का दिन उनको हाउस में पार्लियामेंट में देखा है। इधर देश में किसान आत्महत्याएं कर रहा है, हमारी GDP नीचे जाती जा रही है, दिनों दिन हमारा जो किसान है बद से बदतर हालत पे है। आप इतने सारे वादे करके आए, आपने ये वादा चुनाव में नहीं कहा था कि मैं विदेश में ही रहूंगा और विदेशी रणनीति को मजबूत करूंगा। आपने बोला था मैं काला धन लेके आऊंगा, आपने बहुत सारी ऐसे बातें की थी, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, नौजवानों को नौकरी दूंगा, मैं अच्छे दिन लेके आऊंगा। मेरे ख्याल से अच्छे दिन तो जरूर आए हैं, लेकिन ये मोदी जी के पर्सनली और जो अडानी जी रिकॉर्ड है कि हर विदेश टूर में अडानी जी उनके साथ में होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंस पे उनके साथ में रहते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया गए तो 6,000 करोड़ का आउट ऑफ वे जाकर उनको वहां पर प्रोजेक्ट दिलाया और अभी फिर से 2.5-3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं जी, और उधर से लैंड पेंडिंग है। जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल दिनेश जी से जवाब लेते हैं। एक तरफ चाइना से आप जी, बिल्कुल दिनेश जी से जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, रंजीता रंजन जी का ये कहना कि अपनी देश की समस्याओं को तो सुलझाइए पहले, कुछ दिन इस देश में गुजारिए तो पहले। अंजलि जी, मुझे बड़ा अजीब लगता और हंसी छूटती है जब हमारे कांग्रेस के लोग इस तरह की बात करते हैं। कह रहे थे कि आप पहले देश की स्थिति संभाल देते हैं, देश की स्थिति को बर्बाद किसने किया पिछले 7 सालों में, 6 दशकों से ज्यादा। दिनेश जी, ये आर्गुमेंट हर एक डिस्कशन में यही आर्गुमेंट बीजेपी की तरफ से आता है। अभी कैटेगोरिकली क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि देश की समस्या को छोड़ के प्रधानमंत्री यदि विदेश की यात्रा पे है तो वो सही है कि गलत है? मुकेश जी जी, दिनेश जी,
मुकेश जी जरा सा मैं वही आ रहा था, लेकिन रंजीता राय जी ने एक ही प्रश्न में कई बात खड़ी, कई प्रश्न मैंने खड़ा कर दिया जी। मैं कहता हूँ कि निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री के रूप में अगर उनको देश की समस्याओं का निराकरण करना है तो एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उनको विदेशों से अपने संबंध को भी अच्छा करना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज देश में जिस किसानों की आत्महत्या की बात कर रहे हैं रंजीता जी, क्या इनका शासन रहा है? इस देश में किसानों की इस तरह की दुर्गति लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आज तो किसानों की हालत सुधर रही है, आज देश में विकास दर तेजी से बढ़ रहा है, आज भारत जो है दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है आर्थिक रूप से, और रंजीता जी की बात कर रहे हैं। मुझे ये लगता है, हाँ एक सवाल जरूर खड़ा होता है जो रंजीता जी कह रहे थे, अंजलि जी इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ज्यादा समय विदेशों में गुजार रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के नेता विदेशों में क्या करने के लिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी देश के प्रधानमंत्री हैं वो विदेश में क्या करने गए हैं, तो इनकी पार्टी के लिए तो बता ही नहीं पाए। इनके रंजीता जी से जवाब, रंजीता जी जवाब देंगी आपका, लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, पत्रकार से बता दें, यूपीए शासन के पहले साल में प्रवक्ता थे जी दिनेश जी, यूपीए शासन के पहले काल में विदेशी व्यापार जितना बढ़ा था, और अभी मोदी जी लगातार जो पहले एक साल पूरा होने जा रहा है और एक साल में जितना विदेशी व्यापार बढ़ा है काफी गैप है, यूपीए के टाइम में ज्यादा व्यापार बढ़ा था, आपके एनडीए के काल में हमारे पास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 18.58% की वृद्धि हुई है, जबकि यूपीए के काल में यह 29.3% था। तो ये भी अगर विदेश में यात्रा कर रहे हैं मोदी जी, बावजूद इसके जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो रिजल्ट आ नहीं रहे, यूपीए के शासन काल में भले ही यात्रा कम थी लेकिन रिजल्ट ज्यादा था। मुकेश जी, हाँ बताइए मुकेश जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपके बैक रूम में बैठे हुए लोग हैं उनसे कहिए कि पिछले एक साल का डाटा निकाल ले, फिर तुलना कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब आई उसके एक साल का आप आंकड़ा उठाइए, और जब सत्ता से छोड़े उसके पिछले एक साल का आंकड़ा उठाइए। नहीं, आप पहले नहीं, जो आंकड़े आपके पक्ष में जाए हम उस आंकड़े, क्योंकि हम तो हम दिखा रहे यूपीए शासन का पहला साल, यूपीए शासन का पहला काल और एनडीए शासन का पहला एक वर्ष, दोनों एक एक वर्ष की तुलना कर रहे हैं। जब हम आखिरी वर्ष की तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर उससे ज्यादा है। रंजीता जी से जानना चाहेंगे, रंजीता जी क्या कहेंगी आप इस पे? देखिए मुझे मालूम था, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, आप ही बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप ही बोल लीजिए। रंजीता जी कहिए। दिनेश जी, जैसे ही मैंने बोला जी, जैसे ही दिनेश जी ने शुरू किया, मुझे मालूम था ये पार्लियामेंट से लेके मीडिया से लेकर विदेश तक में सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमने एक साल में क्या किया इसको ये कहीं पर भी प्रूफ नहीं करते। अभी चीन के दौरे थे, मैं प्रधानमंत्री साहब का भाषण सुन रही थी, वो 16 जून है, इस 16 मई को पिछले साल हमारे देश में क्या हो रहा था। अरे अगर एक साल आपने आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है तो ये खुशी आपके जनता से बांटो ना, चीन में इतने से लोगों से आप क्या बात कर रहे हो, कहीं एक तरह आप विदेश में जाके बोलते हो। एक वक्त था कि हिंदुस्तान शिक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भीख मांगता था, आज देखो आज क्या चेंज हो गया, आप विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की बदनामी करते हो, आप सिर्फ कांग्रेस की बदनामी नहीं कर रहे हो, आप तमाम हिंदुस्तानियों की बदनामी करते हो, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जाते हो, ना कि सिर्फ मोदी जानते हो कि वो सिर्फ गुजरात का सीएम था। लेकिन अगर आप भाषण सुनोगे तो मुझे फील हुआ कि अरे ये तो अभी भी एज अ सीएम और एज अ कैंडिडेट भाषण दे रहा है, एज अ पीएम वहां भाषण दे के नहीं आ रहे हैं। आप भूटान जाते हो वहां पैसा दे आते हो, आप नेपाल जाते हो वहां पैसा दे आते हो, लेकिन यहाँ पर हम भुखमरी के कगार में हो इंडिया में क्या दे रहे हो आप ये क्यों नहीं बताते हो। लेकिन जब हम इन बातों की बात करते हैं, सफाई देने की कोशिश करवाते हैं, तो ये हमेशा से कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। अरे अगर हमने गलती की, और अगर आप डाटा उठा के देखें, 56 साल बनाम आपका जो एक साल है, जिस तरह से आपने वादे किए एक साल और हमारा बनाम एक साल आप ले लीजिए, तो आप 54 भी हमारे कंपेयर में नहीं है। लेकिन 100 में से 25 रंजीता जी पिछले 56 साल में कांग्रेस ने जो बिगाड़ा है, कांग्रेस ने जो बिगाड़ा है सुधारने में तो कुछ टाइम तो लगेगा ना, ये इससे कहा था कि आप ये अपना छोड़िए, कांग्रेस ने क्या बिगाड़ा ये जनता तय करेगी। लेकिन आप जो नहीं, जनता ने तो तय कर दिया रंजीता जी जनता ने तो तय कर दिया, आपको खारिज कर दी जनता, बीजेपी मोदी को ले आई है।
मोदी को ले आई है, जनता ने तो खारिज कर दिया आपको। विदिन 9 महीने दिल्ली में, जनता ने दिल्ली में 9 महीने के बाद रिजल्ट दे दिया जी। अगर जवाब ले लेते हैं रंजीता जी, दिनेश जी को जवाब ले लेते हैं बिल्कुल। तो 9 महीने में दिल्ली में रिजल्ट मिल गया बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं जी दिनेश जी। अंजलि जी एक निवेदन है कि जितना समय आप उनको देते हैं जवाब देने में, बिल्कुल पूरा समय मिलेगा, पूरा समय मिलेगा आपको। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, एक बार तो रंजीता जी ये कहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री, मैं तो समझता था कि रंजीता जी पढ़ी लिखी है, समझदार हैं, एक प्रधानमंत्री को किस भाषा में बात करनी चाहिए, हमको लगता है इनको भी उस तरह की कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कहीं जाके, कि गुजरात का सीएम था ये, कम से कम बोलने की तहजीब और संस्कृति होनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री पर आप बोल रहे हैं, और नंबर दो कि वो देश के प्रधानमंत्री आप स्वयं कह रहे हैं ना, हम जाके प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाएंगे तो आप क्या बताएंगे, क्या नसीहत देंगे, हमारे देश में इसके पहले जो होता था वही तो बताएंगे, आज जो निवेश नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है वही तो बताएंगे। बड़ा सवाल है दिनेश जी बड़ा सवाल है, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री ये कहने को, लेकिन वो किसी भी दौर में रंजीता जी अडानी को क्यों लेके जाते हैं, रंजीता जी झूठ नहीं बोलता हूँ, क्यों नहीं लेके जाते अडानी क्यों जाता है जी। रंजीता जी, अरे मुकेश जी इनको कहिए, हम कहते हैं ठीक है, वो चीज है, उन्होंने सवाल किया है दिनेश जी, आपका उन्होंने सवाल किया है कि हर एक विदेशी दौरे में मोदी जी के साथ विदेश मंत्री नहीं जाती हैं, अडानी ही जाते हैं, अडानी क्यों जाते हैं, विदेश मंत्री क्यों नहीं जाती हैं, इसका जवाब दीजिए मुकेश जी। ओहो हमको, अरे ये आप सवाल अपने पास रखिए ना, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन उन्होंने जो जवाब सवाल पहले, इसीलिए मैंने निवेदन किया था ना कि पूरा समय दे दीजिए, जब उनके आपको पूरा समय है आप बोलिए, आप बना रखे हैं। मैं कह रहा था कि नंबर तो कृपया 20 मिनट हो गए, नहीं तो मैं भी उनको नहीं बोलने दूंगा। हाँ अब आइए, अगर देश के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, निवेशकों को आकर्षित करेंगे तो बताएंगे हमारे यहाँ माहौल कैसे बदल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुख पे कोयले की कालिक लग रही थी, आज एक साल हो गया, एक घोटाला आया, 8G 2G 3G 4G, जीजा जी मामा जी सब क्या था, आज आपको शर्म लग रही है। और जो रंजीता जी कह रही थी कि देश की जनता उसका फैसला करती है, देश की जनता ने उसका फैसला किया है, धैर्य रखिए, धैर्य धारण कीजिए, आपको आज भूमि अधिग्रहण बहुत दिख रहा है, जब जीजा जी भू प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे तो मुझसे एक शब्द नहीं छूट रहा था। और दूसरा सवाल, आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं किसको ले जाते हैं, एक दूसरे प्रधानमंत्री जाते थे जिनके दल के होते थे, 2 दर्जन पत्रकारों को लेके जाते थे, 4 दर्जन डेलीगेट्स लेके जाते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री पर्याप्त है, और प्रधानमंत्री किसको लेकर जाए किसको लेकर न जाए ये हमें कांग्रेस के साथियों से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने तो उनको विपक्ष राज भी नहीं छोड़ा है, इसलिए उनके विपक्ष के नेता के लिए भीख मांग रहे थे, इसलिए उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। चीन के इतिहास में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करने गए थे, ये चीन के एक राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ रंजीता जी, वो भाजपा के नेता का स्वागत नहीं हो रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, आप सबको अपने सीना जो है सर गर्व से ऊपर होना चाहिए। मैं बता रहा हूं हमने जो कहा, हम नहीं सर घर से महसूस इसमें हमारे देश के लिए गर्व की बात नहीं थी। रंजीता जी जो चमचागिरी करता है उसको जनता सबक सिखाती है, जनता ने सबक सिखाया है, आप साफ हो गए हैं, विपक्ष की भूमिका में नहीं है, रंजीता जी आप दोनों से एक सवाल और है, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में पहले भी सवाल उठे हैं, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे वो भी काफी विदेश यात्रा करते थे, और उनकी यात्रा के बाद ही औद्योगिक क्रांति जो है वो शुरू हुई थी और देश में औद्योगिक विकास हुआ था, और मोदी जी की इस विदेश यात्रा के बाद भी विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लोगों में माहौल बन रहा है विदेशों में, भारत के प्रति एक पॉजिटिव माहौल जो है वो तैयार हो रहा है, ताकि मेक इन इंडिया का जो उनका एक सपना है, उनका जो एक मिशन है वो पूरा किया जा सके। तो रंजीता जी, क्या आपको नहीं लगता है कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, विदेश से अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है, अगर विदेशी निवेश को आपने अपने देश में बढ़ाना है, तो आपको विदेशी दूसरे देशों के साथ आपको अपने रिलेशन बढ़ाने पड़ेंगे, अच्छे करने पड़ेंगे। आप
आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, अभी तक ये निवेश ला नहीं रहे, निवेश देकर आ रहे हैं। और जहां तक आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं ना, अगर उद्योग जगत में क्रांति आई तो यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी का, कि वो काम करने जाते थे, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आते थे। अगर आज इन्होंने मोबाइल और अगर लाइव अगर आप गाड़ी लाके यहाँ पर हम लाइव अगर कर रहे हैं, तो ये भी शायद नेहरू जी और राजीव जी की देन है। मैं एक सवाल सिर्फ कहूंगी, जो ये नरसिम्हा राव जी की देन है, क्या बॉर्डर का विवाद सॉल्व करके आए? चीन के साथ गए, बॉर्डर का विवाद सॉल्व करके आए। पाकिस्तान में वही है, जब सर कट गया तो दो फौजी तो चीन के साथ बॉर्डर विवाद तो आप 65 साल में आप भी नहीं सॉल्व कर पाए रंजीता जी। 65 साल से जो चीन का विवाद है, सीमा विवाद है, वो आप भी नहीं तय कर पाए। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो पाकिस्तान को शॉल देकर आए और अपनी माँ के लिए शॉल लेके आ गए, सर नहीं मांगे। ये चुनाव के वक्त कुछ और चुनाव के बाद कुछ, जिस पाकिस्तान के लिए ये घर घर पार्लियामेंट में उल्टा सीधा कहा करते थे कांग्रेस को, और आज जैसे ही प्रधानमंत्री हुआ उन्होंने अपना नजरिया बदल लिया। ओबामा आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चीन से गए, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा। पहली बार इतिहास में हुआ है कि इंडिया का प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। इसके लिए हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। पैदा हुआ जरा बता तो दीजिए, ओबामा को आपके मुंह पर बोल के गया कि अगर धर्म की राजनीति अगर हिंदुस्तान करता है तो बचना चाहिए। जी बिल्कुल रंजीता जी, बिल्कुल दिनेश जी आपके पास आएंगे, माफ कीजिएगा रंजीता जी, बिल्कुल रंजीता जी आपके पास आएंगे। चलिए फिलहाल समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने इस पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों को लेकर कई तरह की बातें हो रही है, आइए हम इस पर बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के दौरों को लेकर कि कुछ दिन गुजारो देश में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस चीजों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाएंगे तो हमारी जो फॉरेन नीति है या विदेश से जो हिंदुस्तान को सपोर्ट मिलना है वो कहने के कमजोर होगा। लेकिन ये भी सही है कि जो वक्त हिंदुस्तान में गुजारना चाहिए उसको भी पूरा समय देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को विदेश के साथ साथ हिंदुस्तान पर भी उतनी ही समय देना चाहिए जितना हिंदुस्तान के लोगों को उम्मीद है, क्योंकि चुनाव में वादे बहुत किए थे। सरकार के एक वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, एक भी वादा अभी तक नहीं पूरा हुआ, इससे लोगों में रोष बहुत है। हम लोगों ने सोचा था साल भर हम काम करने देंगे, विरोध नहीं करेंगे, हम लोगों ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन जब साल भर में जो निकल के आ रहा है, तो इसके बाद हम लोग भी अब प्रभावी ढंग से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की गलत नीतियों को जनता में ले जाएंगे। कुछ लोग ये भी लगातार कह रहे हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो है वो नाम की विदेश मंत्री, दरअसल पूरा विदेश मंत्रालय जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में। खुद राहुल गांधी इस तरह के शब्द यूज कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया के टूर पे आए हैं। देखिए, वैसे तो सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हम सब लोग खुद ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाए, विदेश मंत्री साथ में न जाए, क्योंकि अधिकतर तो समझौते विदेश मंत्री करते रहे, तो यही परंपरा रही है। कहीं ना कहीं से आंतरिक मतभेद जरूर शो कर रहा है और कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती जरूर दिखाई दे रही है और लोग उंगली उठाने लगे हैं। जब उंगली उठाने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्यता है। एक सवाल हमारा आप दोनों नेताओं से है, रंजीता जी और दिनेश जी, आप दोनों से हमारा एक सवाल है, आप दोनों से हमारा एक सवाल है। बीबीसी ने 2013 में एक सर्वे करवाया था जिसमें चाइना और चीन और भारत के रिलेशन पे वो सर्वे किया गया था, जिसमें ये निकल करके सामने आया था कि 27% जो भारतीय हैं उनके मन में चीन के प्रति पॉजिटिव भावनाएं, यानी चीन को वो दोस्त समझ रहे, माफ कीजिएगा, 36% इंडियंस जो है वो चाइना के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन जब चाइना में आई तो चाइना में केवल 23% ऐसे लोग हैं जो भारत के प्रति जो है अच्छा भाव रखते हैं। क्या आप लोग दोनों नेता जो आपस में इस समझौते को लेकर के ये कर रहे हैं, क्या दोनों पार्टियों को इस बात पे प्रयास नहीं करना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते तभी सुधरेंगे जब भारत के नागरिक चाइना के बारे में और चाइना के नागरिक भारत के बारे में अच्छा सोचेंगे? इस दिशा में कोई कदम नहीं उठ रहा है, इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होना चाहिए जिससे जैसा कि दूसरे देशों के साथ हो रहा है, क्या ये प्रयास नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल अलग है। जब भी कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब भी देश को चाहे आतंकवाद के मुद्दे पर हो
चाहे देश को बचाने के मुद्दे पर हो तो पूरी सदन एक रहती है। ये जो आपने मुद्दा उठाया बिल्कुल वो आप लेके आओ, आप इसका समाधान क्या करते हो एज अ रूलिंग पार्टी आप लेके आओ। अगर एज अ ऑपोजिशन हम आपको सपोर्ट नहीं करते हैं फिर बोलना कि आप कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन एक खाका को लेके आओ कि आप क्या करना चाहते हैं। नहीं, अब समझौता करके आए हैं वहां पर, आप कह रहे हैं कि वहां दुख दिख नहीं रहा है, तीन दिन में कहां से दिखेगा, अभी तो प्रधानमंत्री वापस भी नहीं आए हैं, तो ये कैसा सहयोग हुआ? हम कहते हैं हम आपको दो साल देते हैं और। चलिए दिनेश जी बताइए, दो साल मिल रहा है आपको, क्या 16 देश की यात्रा कर रहे हैं? रणजीत मुकेश जी पहली चीज तो कांग्रेस का दो साल नहीं चाहिए, इस देश की जनता ने मोदी सरकार को 5 साल का समय दिया है, नंबर एक चीज। नंबर एक, और दूसरी चीज मैं आपसे हम करें उनकी परवाह नहीं है। नंबर दूसरी चीज मुकेश जी, आपका सवाल बहुत ज्यादा था जिसका जवाब इन्होंने दूसरे ढंग से किया। आज प्रधानमंत्री जी वहां के विश्वविद्यालय में युवाओं जब वहां चीन में शिलांग में खड़े होकर जब वहां अपने भारतीय समुदाय के लोगों से बात कर रहे थे तो आपके प्रश्न का ही जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत पहुंचाने के लिए यहां के नागरिक सिर्फ एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को भारत पहुंचा दे बस काम हो जाएगा। इसका मतलब हम अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति और जो आप सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात कर रहे थे, भारत के प्रति जो नजरिया बदलने की बात कर रहे थे, उसी की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। और दूसरी चीज, अभी रंजीता रंजन जी बहुत जोर जोर से कांग्रेस की बात कर रही थी, आप ये बताइए दोनों देशों के बीच में 72 अरब रुपए का सालाना व्यापार है, उसमें 12 अरब मात्र उसमें 12 अरब का जो है निवेश जो है वो भारत के पक्ष में है, और उसमें 7 अरब का व्यापार चीन का है, तो 48 अरब का जो उल्लेख फेर है कहां से हुआ? इतने दिन कांग्रेस अगर बहुत अच्छी थी तो 48 अरब डॉलर का व्यापार में जो विनिमितता था इसको क्यों नहीं दूर कर पाए? 48 अरब में कुछ होता है रंजीत जी, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। और चीन से हम आया ज्यादा जवाब लेते हैं रंजीत जी। मुझे मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, एक साल में इन्होंने विदेश में ऐसा क्या कर दिया कि 125 करोड़ जनता के सर ऊंचा है, और उससे पहले क्या हमारे हिंदुस्तान का सर ऊंचा नहीं था? वही मनमोहन सिंह जी थे जो UPA 1 और UPA 2 में जब पूरे विश्व में रिसेशन और आर्थिक मंदी चल रही थी, अमेरिका जैसे देश को मानना पड़ा कि मनमोहन सिंह जी के कारण इंडिया में जो आर्थिक रिसेशन और जो इकोनॉमिकल रिसेशन था उसको बांध के रखने वाला कोई व्यक्ति था तो वो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। सिर्फ भाषणों से देश नहीं चलता है, आप डाटे में जाइए और क्या क्या कांग्रेस ने किया और क्या आपने किया, क्या न्यूक्लियर डील में किस तरह से डील की, उन सब बातों में जाइए तब आपको जवाब लेते हैं। दिनेश जी से जवाब, जी बिल्कुल मुद्दा रंजीता जी, दिनेश जी से जवाब, बिल्कुल दिनेश जी से जवाब लेते हैं रंजीता जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उन्हें ले लेते हैं। आप बता रहे हैं पहले ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उन्होंने सुन लेते हैं। दिनेश जी आपके पास आएंगे फिर। जी हेलो जी, नमस्कार, मैं रोहित कुमार शर्मा एटा से बोल रहा हूँ। मेरी राय है प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर निकले हैं जी, उनसे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे देश को की आर्थिक स्थिति को लेकर काफी फायदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो आप सभी दर्शक भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फिलहाल दिनेश जी क्या कहेंगे आप, रंजीता रंजन जी ने जैसा कहा था? अंजलि जी देखिए, प्रधानमंत्री जी जा कहाँ रहे हैं? वो गए चाइना, गए तो मंगोलिया गए, आप जानते हैं कि मंगोलिया जो है रूस और चाइना के बिल्कुल नजदीक है, और चाइना हमारा तो पड़ोसी मुल्क है, ठीक है। दिनेश जी सवाल ये नहीं बदल सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते थे, लेकिन हम उससे अपने समय अरे 19 यात्रा पे है मुकेश जी, वही मैं कह रहा हूँ, आप बीच में बात पूरी नहीं होने देते, फायदा गिनवाइए ना, वो ज्योग्राफिकली बहुत नजदीक है मुकेश जी, मैं वही आ रहा हूँ, नहीं हुआ ना चाइना गए, मंगोलिया भी चले गए, ठीक है आप चले गए, फायदा क्या हुआ मुकेश जी? आप हाँ दिनेश जी, मुकेश जी आप अपनी जबान मेरे मुंह में तो डाल नहीं सकते हैं, मुझे जवाब तो हमी को देना है ना, अजीब बात है, आपको फायदा नजर नहीं आ रहा है। एक एक मिनट की लाइव खबरें मीडिया दिखा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी वहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जा रहे हैं। मंगोलिया की बात कर रहे थे ना, इतने दिन हो गया, ये दुर्भाग्य नहीं देश का? अरे रंजीता जी रुक जाइए, एक मिनट हाइल कर रहा है, आप शांत रहिए जरा सा। हम कह रहे हैं कि पिछले 60 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री मंगोलिया में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, उसको याद नहीं आया कि एक मुल्क मंगोलिया भी है? ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है?
आप चाइना के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, मंगोलिया के साथ तीन समझौते आपने किए, एक बिलियन डॉलर दे के चले आए, नुकसान है आप वहाँ दे करके चले आए, आपने जो समझौता किया उसके बाद पता चलेगा वो अच्छा है या बुरा है, क्या क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन आप मंगोलिया के साथ तो आपने एक बिलियन डॉलर वहाँ मदद करी है, ठीक है रिलेशन बनाने के लिए मदद करने को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर फायदे या नुकसान की बात करें ये भी बताना पड़ेगा ना देश की स्थिति में। हम देखे आए, हम नेपाल को देखे आए, हम मंगोलिया को देखे आए, हम निश्चित तौर पर हम मंगोलिया को देखे आए, नेपाल को देखे आए, आज हमारी स्थिति हम देने की स्थिति में। और रंजीता रंजन जी जिसकी बात कर रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत तारीफ की थी मनमोहन सिंह की, आज वही राष्ट्रपति कालम लिख रहे हैं टाइम जैसे मैगजीन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ में कालम लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आज पूरे विश्व में सबसे ग्रोइंग अगर कोई देश है तो भारत देश है, उसको तकलीफ हो रही है और इनको भाजपा के और कांग्रेस के प्रधानमंत्री इनको नजर आते हैं, इनको देश का जब स्वाभिमान बढ़ रहा है, देश का जब वातावरण पूरे विश्व में बढ़ रहा है, आज पूरे विश्व की निगाह जो हिंदुस्तान में है और पूरे हिंदुस्तानियों का चाहे जिस मुल्क में हो उनका सीना अगर गर्व से चौड़ा हो रहा है, मस्तक अगर गर्व से ऊंचा हो रहा है तो तकलीफ का। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगर करने की बात सुन लेते हैं फिर आप तक आएंगे जी, बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है, मैं लखनऊ से हूँ। मोदी जी की विदेश यात्रा पे बस मुझे इतना ही कहना है कि मोदी जी जिस तरह से सशक्त रूप से देशों में जाके, एशियाई देशों में जाके और यूरोपियन देशों में जाके भारत का प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम क्या हैं और कितने सशक्त हैं हम, आर्थिक साथ ही साथ सांस्कृतिक परिवेश में, ये बहुत ही अच्छे लक्षण हैं और मोदी जी की विदेश यात्राओं की वजह से भारत को पिछले एक साल में विश्व में एक अलग रूप मिला है जिसकी मैं सराहना करता हूँ। नमस्कार, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मोदी की विदेश यात्रा पर कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीलम शुक्ला ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्राओं पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद हैं। शकील साहब, लगातार दौरे हो रहे हैं विदेश के, क्या लगता है कितने फायदेमंद होंगे देश के लिए? देखिए, हर प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, मंत्रीगण बाहर जाते हैं, इसमें कोई विचित्र बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक साल के अंदर 17-18 विदेशी दौरे प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री का दौरा बहुत महंगा होता है, बड़ा हाई फ्लाइंग होता है, एक ही साल में लगता है कि सारी दुनिया डिस्कवर कर लें, एक साइकोलॉजिकल भी हो सकता है क्योंकि बहुत दिनों तक कई देशों ने वीज़ा नहीं दिया था, मंगोलिया प्रधानमंत्री गए थे, अभी एक करोड़ बिलियन डॉलर दिया है उनको, तो जाहिर है कि वो, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पैसा देते समय ये जरूर याद रखें, ये जो पूंजी भारत की फॉरेन रिजर्व बनाई हुई है, ये यूपीए सरकार के अधिकांश समय कांग्रेस की पूंजी बनाई हुई है, उसको मोदी जी खर्च करके अपनी वाहवाही व्यक्तिगत रूप से कराना चाहते हैं, वो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। और अभी तक कैंपेन मोड में लग रहे हैं कि चुनाव प्रचार में जो वो भाषण दिया करते थे वही देश में भी दे रहे हैं, अभी वही विदेश में भी दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, इतनी जो विदेश यात्राएं हो रही हैं उससे विदेश नीति क्या सुदृढ़ हुई है आपको लगता है एक साल में, पिछले एक साल में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। चीन के तो राष्ट्रपति यहाँ बैठे थे, दोनों झूला झूल रहे थे और चीन की फौज हमारी सीमा में घुस रही थी, इनक्रोच कर रही थी। जी बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का ये कहना है कि लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है अभी भी कैंपेनिंग मोड में है, जगह जगह जाकर बस कैंपेनिंग मात्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कैंपेनिंग मोड से कांग्रेस के साथियों को डर बहुत लगता है और प्रधानमंत्री जी 5 साल इनको ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि देख कर तो बोलते नहीं कि जो चिट्ठी पर्ची पढ़ के गए हैं अगर उसका पेज इधर से उधर हो जाए तो पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। रंजीता जी, रंजीता जी, स्वाभाविक रूप से रंजीता जी से करते हैं। रंजीता जी, डर लगता है कांग्रेस को कैंपेनिंग मोड से नरेंद्र मोदी की, जवाब ले लेते हैं। आप उसका भी जवाब ले लीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पार्लियामेंट में बिहेव कर रहे हैं, हमारे राहुल जी बोलते हैं
और बिना स्पीकर की परमिशन लिए जीरो आवर का जवाब मिनिस्टर देना शुरू कर देते हैं। ये मीडिया को और आवाम को तय करने दीजिए कि डर किनको लग रहा है। ये फुल मेजोरिटी में होने के बावजूद जब राहुल जी जीरो आवर उठाते हैं तो वो इस तरह से घबरा जाते हैं कि किसको जवाब माफ कीजिएगा रंजीता जी, जी ये तो सामने नजर आ रहा है कि कौन डर रहा है। कंक्लूडिंग जी बिल्कुल माफ कीजिएगा समय की बेहद कमी है, कंक्लूडिंग रिमार्क हम ले लेते हैं। दिनेश जी सीधा स्पष्ट जवाब आपसे चाहूंगी, क्या वाकई में भविष्य आने वाले भविष्य में भारत को इसका फायदा पहुंचेगा? संक्षेप में, संक्षेप में जी निश्चित तौर पर अंजलि जी जी मुकेश जी बिल्कुल संक्षेप में कि छह दशकों का जो कुशासन था अगर चाइना के परिप्रेक्ष में देखे, जो हमारा चाइना के साथ सीमा विवाद है अभी भी हमको जाने के लिए अरुणाचल में स्टेपल वीजा लेना पड़ता है, यही हालात जम्मू कश्मीर के साथ थे, आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़ता था तो कांग्रेस के कुशासन था, लेकिन उसकी वजह से वीजा लेना पड़ता था। किसी की भी हो रंजीता जी आखिर का निकल के रंजीता जी रंजीता जी विदेश यात्रा में आखिरी कंक्लूजन संक्षेप में आप अपने कंक्लूड करें। आपको जवाब देना है, आप अपोजिशन में नहीं है, अपोजिशन में नहीं है, आपको जवाब देना है। सवालों की बहुत सारे हैं, सवालों की बहुत सारे हैं, वो यहाँ पर कम नहीं होगी, माफ कीजिएगा समय की बेहद कमी है। दिनेश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ रंजीता रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और साथ ही साथ मुकेश कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ है कि कहीं ना कहीं विदेश दौरे, प्रधानमंत्री के इस विदेश दौरे के बाद सवाल उठने लाजमी है कि आखिर देश का विकास इससे हो पाएगा या फिर नहीं। लेकिन एक वक्त वो था जब कहा जा रहा था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इस देश की जनता अब कह रही है कि अब की बार देश का उद्धार। फिलहाल वंदे मातरम में आज के लिए बस इतना ही, आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंच के साथ। नमस्कार। रसायन शास्त्र की क्लास में टीचर पानी का फॉर्मूला बताओ, स्टूडेंट H2O प्लस MgCl2 प्लस CaSO4 प्लस AiCl3 प्लस NaOH प्लस KOH प्लस HNO3 प्लस HCl प्लस CO2। टीचर ये उत्तर तो गलत है। स्टूडेंट मैडम ये नाले का पानी है। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने सुरेश से पूछा ये हाथ में क्या है? सुरेश सर बंदूक है। अफसर ये बंदूक नहीं तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही रमेश से पूछा ये हाथ में क्या है? रमेश सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी।